मगमो संगठन ने मंगलवार को यवतमाल जिलाधिकारी एमडी सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी हटाओ आंदोलन शुरू किया। इस संदर्भ में संगठन ने आरोप लगाया है कि सिंह ने सोमवार को विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपने गए संगठन के पदाधिकारियों से समस्याओं को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि उनके साथ अपमानास्पद रवैये भी इख्तियार किया था। ज्ञापन में बताया गया कि सिंह के इस रवैये से आहत वैद्यकीय अधिकारियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की है। इस आंदोलन का असर यह हुआ कि जिले में आज दिन भर कहीं भी कोई भी स्वैब टेस्टिंग नहीं हुई है। कोविड-19 को काबू में करने के लिए जिला तहसील और ग्रामीण प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। गौरतलब है कि कोविड नियंत्रण समिति में शामिल जिले भर के वैद्यकीय अधिकारियों और कोविड केयर सेंटर के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य विभाग, PSC, सरकारी रुग्णालय, नगर पालिका, तहसील कार्यालय आदि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बीते 6 माह से कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात के मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट असंगठन यानी मगमो संगठन के पदाधिकारियों ने बीते सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर MD सिंह को ज्ञापन सौंपने की पहल की। तब जिलाधिकारी सिंह ने उनकी मांगों को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि सिंह उनके साथ अपमानित करने वाले रवैये से भी पेश आए। इस आशय का आरोप लगाते हुए मगमो संगठन की ओर से जिलाधिकारी हटाओ आंदोलन शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित पालक मंत्री आदि को जिलाधिकारी की उप शिकायत के संदर्भ और विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन भेजा गया। इसके अलावा उप ज्ञापन में जिले के वैद्यकीय अधिकारियों सहित तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ तहसील के कोविड नियंत्रण समिति में शामिल अधिकारियों के सामूहिक तौर पर संबंधित पद से अपने इस्तीफे का जिक्र भी किया गया। इस संदर्भ में दिग्रस कोविड केयर के इंचार्ज डॉक्टर अभय गोविंद मार ने इन BCN से अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। काल जे प्रकार घडला त्याच्यामध्ये तर खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि मॅग्मो संघटनेने जी काही मागे ठेवली ती एकदम वाजवी आहे, कारण आम्ही या कोरोनाच्या संकटामध्ये आम्ही कोणती दिवस पाहिले नाही, रविवार नाही पाहिला आणि कोणता हॉलिडेसुद्धा नाही पाहिला। असे बरेच आमचे कर्मचारी आहेत, त्यांनी फक्त महिन्यातून 1 किंवा 2 फक्त दिवस सुट्टी घेतलेली आहे आणि बरेच कर्मचारी असेसुद्धा आहेत त्यांनी एक दिवससुद्धा त्यांनी सुट्टी घेतली नाही आहे। आणि कोणाच्या परिवारावर बरेच आमचे असे काही कर्मचारी आहेत त्यांच्या अंगावर म्हणजे फॅमिली मॅटरसुद्धा असले तरी त्यांनी जे सेवा दिलेली आहे प्रत्येक रुग्णांना कोरोनाच्या ज्या काळामध्ये आम्ही एक युद्ध समजलं याला आणि युद्धामध्ये आम्ही जसं 6 महिने पूर्णपणे वाहून गेलो होतो आणि आज प्रत्येक कर्मचारी काम करीतच आहे। आणि आता जसा प्रोग्राम आला, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी जे प्रोग्राम आहे याच्यामध्ये आता मॅनपॉवरच उरली नाही आहे। प्रत्येक काम करताना प्रत्येक माणूस 8-8 तास तसं काम करतच आहे, कोणी 10 तास काम करत आहे, कोणी 12 तास सुद्धा काम करत आहे। आणि याच्यामध्ये मॅग्मो संघटनेने जी मागणी ठेवली होती की प्रत्येक माणसाला जसं आपण एक प्रकारचं काम करतो 6 ते 8 घंटे प्रत्येक माणूस काम करू शकतो, पण एखादी लिमिट 6 महिन्यानंतर जसं झालं प्रत्येक आम्हाला आज अशी परिस्थिती झाली की मानसिक परिस्थिती आमचीसुद्धा म्हणजे ढासळलेली आहे आणि जे आमचे स्वतःबद्दल आम्हीसुद्धा म्हणजे लक्ष देत नाही आहे, आमचीसुद्धा आरोग्यावर धोका येत आहे आणि बरेच आमचे आरोग्य कर्मचारी हे कोरोनाग्रस्त झाले। आणि एक दारवा येथील THO ऑफिसमधील जे अधिकारी आहेत त्यांचे मिसेससुद्धा कोरोनाने निधन झाले, ही एकदम म्हणजे गंभीरवाची बाब आहे। या संघटनेने मॅगो संघटनेने जे काही कलेक्टर साहेबांकडे जी मागणी केली ती वाजवी आहे आणि ती झालीच पाहिजे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आला अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले भर में काम चल रहा है। ऐसे में जिले के प्रशासकीय एतबार से सबसे ऊंचे पद पे विराजमान जिलाधिकारी और शेष वैद्यकीय अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव, मनमुटाव और हठधर्मी रवैये जिले के जनता के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वैसे भी मंगलवार को मगमो के इस आंदोलन का असर यह रहा कि दिन भर में कहीं भी कोई स्वैब टेस्टिंग की प्रक्रिया नहीं की गई, ना ही पॉजिटिव या निगेटिव मरीजों के आंकड़ों के संदर्भ में कोई जानकारी साझा की गई। ऐसे में कोविड-19 नियंत्रण से जुड़े किसी भी विभाग के प्रशासकीय हठधर्मी रवैये को काबू में करना भी कोविड-19 पर नियंत्रण पाने जितना ही जरूरी है। NBC न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।